बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीसी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान अल्लाह पॉजिटिव एक्टिविटी टाइटेनियम थिंकिंग चल करूं। आज हम बात करेंगे एक स्कॉलरशिप के बारे में, जिस इंफॉर्मेशन मुझे थोड़ी बहुत मिली है उसकी। मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो FB में वहाँ पर स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है एक स्टूडेंट ने की हुई थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिंक पर कर देना है क्लिक, सीसी गाइड ऑफिशियल आपने ओपन करना है, ठीक हो गया। गूगल में ओपन करना है और पहले ही लिंक पर क्लिक कर देना है आपने। एक है जी हेनान यूनिवर्सिटी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इस पर ऑलरेडी पोस्ट बनी हुई है लेकिन कुछ चेंजेस हुई हैं, उन्होंने अपडेट किए हैं तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसको, इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को, फिर हम जो है मेन उसकी तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। इसमें जो है हेनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है ये ऑफर कर रहे हैं 30 मई जो इसकी लास्ट डेट है। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है, पहली जो मैंने वीडियो पोस्ट बनाई थी उसमें 20 मई थी, अब जो है 30 मई है। अब पहले वाली पोस्ट जो है मैं यहाँ पे देखता हूँ कहाँ पे है, अब मुझे मिलेगी तो हाँ ये है, ये ऑफिशियल लिंक जो मैंने दिया हुआ था पिछली मरतबा, उसके मुताबिक जो है ये है, ये भी 2022 की और वो भी 2022 की, उसकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 20 मई लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन अब जो है उन्होंने जो उनका पोर्टल है वो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये आप अगर इसको ओपन करें, ठीक हो गया, ये apply.online.heneu.edu.cn, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो कराएंगे ये 30 में, ठीक हो गया। और वैसे भी ऑनलाइन पोर्टल पे जब आप यहाँ पे अकाउंट बना के, ये इस पोर्टल पे अकाउंट बना के जब आएंगे वहाँ पे भी 30 मई है, वैसे नॉर्मली अब 30 मई ही है, ठीक हो गया। मैंने कहा आपको कंफर्म कर दूं कि ये ना हो जो पिछली मरतबा मैंने लिखी थी वो आप कहेंगे पहले आपने भाई 20 मई लिखी थी अब 30 मई लिख रहे हैं, तो इन्होंने खुद चेंज किया। ये भी 3 मार्च 2022 की पोस्ट है और यहाँ पे जो उन्होंने पोस्ट लगाई है ये भी 3 मार्च 2022 की पोस्ट है, ठीक है, दोनों एक ही दिन की पोस्ट है लेकिन डेडलाइन पे में फ़र्क है, यहाँ पे 30 है वहाँ पे 20 है। वैसे है ऑनलाइन पोर्टल पे 30 शो करा रही है, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको कहा क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ क्लियर करने के लिए। अब अगर आप कन्फ्यूजन है तो अभी कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, स्टार्ट हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। ये हेनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, हेनान यूनिवर्सिटी है, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, मास्टर के लिए भी, पीएचडी अंडर ग्रेजुएट के लिए। इस तरह है कि उनके लिए कोई स्टाइपेंड स्टूडेंट कोई नहीं है, बस यही है कि ट्यूशन फी आप और सारा कुछ कवर है, बाकी कुछ नहीं है, स्टाइपेंड कुछ नहीं देंगे, ठीक हो गया। अब लास्ट वीडियो जो थी उसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए, सॉरी लास्ट पोस्ट जो मैंने बनाई थी वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के लिए स्टाइपेंड था, ठीक हो गया। इसको हम एक दोबारा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि क्या सीन है इसमें, स्टाइपेंड पता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लास्ट टाइम देखा था कि किधर था, अब मजीद जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है, ठीक हो गया। तो ठीक हो गया, अब अंडर ग्रेजुएट के लिए स्टाइपेंड अगर ये इनकी जो अब की फाइल है, ये अब जो उन्होंने दी हुई है उसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए ये लिखा हुआ है कि स्टाइपेंड जो है नहीं है, ठीक हो गया, तो बाकी सारा कुछ है, ठीक हो गया। अब अंडर ग्रेजुएट के लिए मास्टर के लिए 2000-1500 RMB स्टाइपेंड है, ठीक हो गया। लास्ट टाइम जो पोस्ट मैंने बनाई थी उसमें था 30,000 RMB साल का, अब जो है मंथली, ये अच्छा है। और भाई 2000 RMB PhD वालों के लिए जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड। अगर अभी आपको आगे पीछे जो मैंने टैब खोले हैं आपको क्लियर समझ नहीं आई तो लबाब यही है कि हेनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, हेनान यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई फी स्टाइपेंड नहीं है, मास्टर के लिए 1500 RMB है और PhD वालों के लिए जो है 2000 RMB है। वो मैं क्लियर करना चाह रहा था लास्ट पोस्ट जो मैंने बनाई थी और आपकी पोस्ट में, ठीक हो गया। अब जस्ट ऑनलाइन अप्लाई 30 मई लास्ट डेट है, 30 मई ही लास्ट डेट है क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे 30 मई ही शो करा रही है, मैंने ये दो मरतबा चेक किया है, इसमें इन्फॉर्मेशन मैं आगे जाकर देता हूँ। 30 मई सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट जो आप देख सकते हैं, ओके हो गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आपने करना क्या है, हेनान यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, मैं आपको फॉर्म पे लेके जाऊंगा, बेसिक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूंगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन फॉर्म है, हाईएस्ट डिग्री ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर और पीएचडी वालों के लिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए 400 वर्ड्स का स्टडी प्लान और 600 मास्टर का और 800 जो है डॉक्टरल का, ठीक हो गया, मीन के पीएचडी वालों का। रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट, होम पेज, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी साथ अटैच करने ज़्यादा अच्छा होगा, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर हेनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये हेनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे कोई डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे अपलोड करने थे वहाँ पे आप कोई सेक्शन नहीं है अपलोड करने का, लेकिन अदर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में जो है आप इसे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक हो गया। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं यही ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने अभी ओपन की हुई थी, ठीक है, हेनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, ओके हो गया। अब हम आते हैं जी, इसको मैं इसके ऑनलाइन पोर्टल पे लेके चलूंगा, यहाँ पे पहले हम दूसरी स्कॉलरशिप को देख लेते हैं, हेनान इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है। अब इसका आप देख सकते हैं 2022 के लिए मास्टर और पीएचडी वालों के लिए 3000 RMB मास्टर के लिए और 3500 RMB पीएचडी वालों के लिए, सीएससी के इक्वल है। इनकी एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो रिड्यूस एंड हार्ड कॉपी, 31 मई इसकी लास्ट डेट है, ठीक है,
31 मई, ठीक हो गया जी। और सारे इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं, एलिमेंट मास्टर के लिए 35 और पीएचडी वालों के लिए 40 साल है। करना क्या है, पहले आपने हना यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सारा कुछ करना है, ओके हो गया। और ऑनलाइन फॉर्म हो गया, हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट और पोस्ट ग्रेजुएट मस्ट सबमिट कॉरेस्पॉन्डिंग 600 800, वही 600 RMB का आपने, सॉरी 600 RMB आया, 600 वर्ड्स का आपने मास्टर वालों ने स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल जो भी कर लें, स्टडी प्लान कर लें बेहतर है ये, और 800 वर्ड के लिए पीएचडी वालों ने, ठीक हो गया। रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट कापी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कापी, एफएचएस के नौकरी सर्टिफिकेट कार्ड, ओके हो गया। यहाँ पे क्लिक करके आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें सारी चीज़ें क्लियरली उन्होंने मेंशन की हुई हैं, ये स्टाइपेंड वगैरह सारा कुछ, अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट है तो वो यहाँ से क्लियर कर सकता है। 31 मई इसकी लास्ट डेट है, ओके हो गया। आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक और चीज़, अगर तो आपने ऑलरेडी इन दोनों में से, अब सवाल ये होगा कि हमने इसके लिए अप्लाई कर दिया था प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, तो अब क्या हम इसमें कर सकते हैं? नहीं, एक एक मतलब आप एक ही पोर्टल पे एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि बस मैं रिस्क ले रहा हूँ, बस देखी जाएगी पता नहीं होता है या नहीं होता, दोनों पे करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन एक पे करें तो बेहतर है। ये अच्छी स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, ये जो ऑनलाइन पोर्टल था, ठीक हो गया। ऑनलाइन पोर्टल कहाँ है, ऑनलाइन पोर्टल पे हम आ गए, यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन .hen.edu.cn यहाँ पे अकाउंट बना लेना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कर देना है क्लिक, ओके हो गया। तो क्लिक करने के बाद ये मैं पहले चेक करके गया था कि आया कि ये डेट्स वगैरह हैं या नहीं है सारा कुछ, तो इस वजह से ये सारे दोनों मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और इसको भी कर देता हूँ डिलीट। ये पहले बनी हुई थी पोस्ट, आई थिंक ये मैंने बनाई थी, क्रिएशन डेट कौन सी है, 2021 ये लास्ट टाइम की थी, ओके। अब 2022 की होती तो फिर थी। अच्छा, अब एग्री एंड कंटिन्यू। यहाँ पे चाइनीज हैनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये हैनान प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया, ये वाला। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अप्लाई करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नीचे वाली हैनान यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। इसका कैसे डिफरेंस, आप मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। अब मैं इसको पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मास्टर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एप्लीकेशन पीरियड यहाँ पे देख सकते हैं, 5/30 मीन्स के 5वां महीना 30 तारीख इसकी डेट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, ठीक हो गया। अब मैं बैक जाता हूँ दोबारा और दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन, ओके हो गया। ये इंटरनेशनल चाइनीज स्कॉलरशिप है, ये और है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये भी बिल्कुल और है, ये नॉन गवर्नमेंट हो गई, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम ये भी और है, ये ही बचती है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मास्टर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जी अच्छा पीएचडी वालों के लिए, बट ठीक है मास्टर और पीएचडी वालों के लिए सेम है। मैं किसी भी अप्लाई कर देता हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग पर अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने से पहले बेहतर था बैक जाते हम डेडलाइन चेक करते कि आया कि डेडलाइन कब है, वो तो मैंने की नहीं। इसको करता हूँ मैं डिलीट, दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू, ये सेलेक्ट करता हूँ नेक्स्ट और इस मरतबा चले पीएचडी वालों को खुश कर देते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये वो हम ये सारी चीज़ें हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ किसी भी एक लाइफ साइंसेज के, सेल बायोलॉजी, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई नहीं करता। यहाँ पे देख सकते हैं 31 मई और इसकी डेडलाइन क्या थी, इसकी भी डेडलाइन 31 मई थी, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो है, इट मींस के ये ही है, ठीक है, इसी को आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अप्लाई कर देना है आपने, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट्स सबके लिए, दोनों के लिए सेम है, लेकिन वहाँ पे हनान गवर्नमेंट का जो है आपने फॉर्म अपलोड कर देना है हनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का। जब आपने यूसी स्कॉलरशिप ये इसमें अप्लाई करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए, आपने हनान गवर्नमेंट का फॉर्म अपलोड नहीं करना, ठीक हो गया। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कर देते हैं क्लिक, इसको कर देता हूँ मैं व्यू। व्यू पे क्लिक करने से ये होगा कि मैं डॉक्यूमेंट्स देख लेता हूँ कौन कौन से रिक्वायर्ड है, पासपोर्ट, बैचलर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। बैचलर का भी आपने अपलोड करना है और पोस्ट ग्रेजुएट का भी अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने पीएचडी सेलेक्ट किया था, इस वजह से बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट मींस के मास्टर दोनों की डिग्री अपलोड करनी होगी, या फिर आप जो है प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो 7वें सेमेस्टर में या 6ठे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। 6ठे में नहीं होते वैसे, नॉर्मल 7वें और 8वें में होते हैं। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों की स्टडी प्लान मींस भाई अगर रिसर्च प्रपोजल है वही स्टडी प्लान आपका पीएचडी वालों का भाई, ओके हो गया। रिकमेंडेशन लेटर, सिग्नेचर स्कैनिंग, सिग्नेचर स्कैनिंग मींस कि आपने अपने सिग्नेचर लेने हैं किसी इमेज पे,
तस्वीर पे आपने सिग्नेचर लिख लेने हैं, उसको लिख के उसका स्क्रीनशॉट लेके तस्वीर की तस्वीर लेके यहाँ पे आपने अपलोड कर देने हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इसके साथ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मिल जाए तो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नौकरी में सर्टिफिकेट का रिसर्च रिजल्ट्स अगर आपने कुछ अगर कुछ किए हुए हैं तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, अगर नहीं किए तो स्किप कर देने हैं, ठीक हो गया। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका कोई कोई एक्सेप्टेंस लेटर है या कोई और ऐसी बला जो आपको जो है फ़ायदा दे वो आपने अपलोड कर देनी है, नहीं तो छोड़ देना है खाली, ओके हो गया। ये सारा फॉर्म बेसिक सा है, वो मैंने इस पर ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज लगा चुका हूँ, तो वो आपने वहाँ पे देख लेना है। ये वैसे जनरल सी चीज़ें हैं, ओके हो गया। ये थी स्कॉलरशिप, ये इंफॉर्मेशन मिली थी मुझे, तो मैंने कहा चले अपडेट कर देता हूँ। वैसे जो ZZU है हमारी यूनिवर्सिटी है, जैंगलो यूनिवर्सिटी, उसमें जो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है हेनान गवर्नमेंट हेनान की, वो उन्होंने जो है नहीं किया हुआ, उन्होंने स्टाइपेंड नहीं दिया किसी को भी, मास्टर वालों को, बीएड वालों को, लेकिन हेनान यूनिवर्सिटी के पास फंड होगा तो यहाँ पे इन्होंने इस वजह से ये स्कॉलरशिप जो है डिटेल स्टाइपेंड दिया है। दोस्त मेरा जो है सीनियर हमारे हैं वो वहीं पे हैं, वो पोस्ट डॉक कर रहे हैं, पोस्ट डॉक के अगर वहाँ पे वो करा रहे हैं इट मीन्स कि यूनिवर्सिटी के पास फंड होगा, ओके। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।